सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो आज भाई FZ है हमारे पास, FZ 2012 मॉडल। तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी भाई, बिकॉज एक तो ये चलाने का तरीका ठीक करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। आई नो आई एम रॉन्ग, बट धीरे धीरे चलाने का तरीका हम ठीक कर लेंगे। ये देखो नवाब कहाँ से टर्न मार रहे हैं। तो भाई यार, दो चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक, मेरी हीरो एक्सट्रीम एक महीने से कहाँ है। बंदे कमेंट में पूछ भी रहे थे कि भाई बाइक कहाँ गई। तो भाई जो लोग भी पूछ रहे थे जिन्हें नहीं पता, तो वीडियो देख लो भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो क्लेम के लिए पड़ी हुई है, सर्विस सेंटर में है। सेफ तो नहीं बोलूँगा मैं उसे वहाँ। तो भाई देखो, पहले अपनी बाइक का बताता हूँ। तो लास्ट सैटरडे मैं वहाँ पर गया था, मैंने अपनी बाइक दी थी वहाँ पर सैटरडे को, 6 तारीख को, 6 अगस्त को। आज है 31st, ये होगा कम से कम, नहीं तो 25 दिन से मेरी बाइक वहाँ पे है। और उन लोगों ने मुझे बोला था कि भाई देखो, क्लेम निकलवाना है तो 25 से 30 दिन आपके जाएंगे ही जाएंगे। वो तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी कि भाई 25 दिन से पहले काम हो गया, बट उन्होंने पहले ही बता दिया था। तो मैं इतना हाइपर नहीं हो रहा इस चीज़ को लेके, जबकि उन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि भाई इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, आप कितना भी सर मार लो, पार्ट्स आने में टाइम लगता है, लगाने में 1 दिन मैक्स टू मैक्स 2 दिन, बिकॉज जिस हिसाब से बाइक डैमेज हुई है उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ उसकी बॉडी टूटी है, कुछ भी इंटरनल ऐसा कुछ बड़ा पार्ट नहीं टूटा है, बॉडी टूटी है, छोटी मोटी चीज़ें टूटी हैं, तो वो जल्दी रिपेयर हो सकती है अगर बंदा ढंग से टाइम भी लगाए तो 2 दिन में रिपेयर हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई मिल जाएगा, लास्ट सैटरडे में गया था, उन्होंने बोला नेक्स्ट सैटरडे तक मिल जाएगा, मतलब जो भी आने वाला है। 31st है तो, और आज वेंसडे है, मतलब 3 दिन बाद मिल जाएगा। बट आज मैंने कॉल किया तो कह रहे भाई देखो अगले वीक तक ही हो पाएगा, बिकॉज पार्ट्स अभी भी नहीं आए हैं। और मेरी टोटल आइटम थे कितने थे, 21 आइटम उन्होंने मंगाए थे शायद, और 18 आ गए थे ऐसा कुछ बताया था लास्ट टाइम उसमें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग बताना कि यार हीरो में अगर किसी ने भी लिया हुआ है कभी भी, कोई भी कंपनी का हो, तो कितना टाइम लगा है उनको मैक्सिमम। मे बी यामाहा का या TVS का जल्दी हो जाता हो, पार्ट्स ही दिक्कत है यार, पार्ट्स होते तो इतना इशू नहीं होता। दूसरी बात करते हैं CBR की। तो CBR मैंने बोरो की थी यार फ्रेंड से चलाने के लिए, क्योंकि यार एक महीने के लिए यार आने जाने के लिए चाहिए यार कुछ। तो उसके पास 2 थी, एक ये थी FZ और एक CBR। तो CBR मैंने चलाई, उसके बाद FZ मैंने चलाई, तो मेरा मन कर गया ऐसे लेने का। मैंने सोचा ऐसे ले लेते हैं यार, बिकॉज काफ़ी काम है ऐसे जिसके लिए एक्सट्रीम काम नहीं आती, ये काम आ जाएगी। तो ये मैंने ले ली है, मतलब काइंड ऑफ ले भी ली है, नहीं भी ली है ऐसे कुछ कन्फर्म भी नहीं है अभी। इंजन वाइज अच्छी है, आवाज़ भी मुझे इसकी पसंद है। जो एक्सट्रीम है ना उसमें एग्जॉस्ट की आवाज़ तो पता नहीं लगती, बिकॉज इंजन की इतनी तेज़ आवाज़ आती है, बट इसमें इंजन साइलेंट है यार। यामाहा में ये चीज़ बड़ी है कि इंजन एकदम साइलेंट है, तो जो आवाज़ है एग्जॉस्ट की है और वो अच्छी है, आवाज़ बेसी आवाज़ है थोड़ी। और हाँ, ये BS3 है भाई, BS3 तो है ही मस्त, BS3 अलग ही लेवल। जो वो CBR थी वो भी BS3 थी, बिल्कुल रॉ पावर, बिल्कुल रॉ। और सर्विस कराओ और कोई झंझट नहीं है इसके अंदर, देख रहे हो, मतलब पिकअप विकअप सब एकदम अच्छा। इंजन वाइज ये बाइक बहुत सही है, बहुत सही। बाहर से काम है इसके अंदर जो कराने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली यार अभी कितने 9 साल एज हो गई होगी इस बाइक की, RC में चेक करा था। लाइट वाइट भी ठीक ही है, मतलब काम चल जाएगा। बाकी तो अभी इसमें काम मैं तो ऑब्वियसली कराऊंगा, इंडिकेटर वगैरह अपनी वाली में तो नहीं कराया मैंने चेंज, बट इस वाली के अंदर हज़ार वगैरह सब लगवाएंगे। बट हाँ, अभी लेनी बाकी है, अभी ली नहीं है, बट लूँगा, बिकॉज अगर आप एक बार ले लेते हो ना बाइक, उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। और मैं इस तरीके का बंदा नहीं हूँ जो एक बार बाइक लेके छोड़ दे भाई, मैं अगर लेता हूँ ना ढंग से मेंटेन करता हूँ फिर उसको। नहीं, 10 साल का टाइम लग जाएगा यहाँ तो बनाने में, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है।
तो यार यही था आज की इस वीडियो में, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, मज़ा आया। और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।